जय हिंद। डाबन एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अब तक के जितने भी संगीत के साधक हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमारे आपके परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं कौन से संगीत के साधक से किसका संबंध था, इनके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं सितार संगीत से किसका संबंध था, पंडित रविशंकर का, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, बंदे हसन, साहित परवेज, विलायत खां, बुद्धिदित्य मुखर्जी और सजात हुसैन का संबंध था सितार संगीत से। फिर देखते हैं शहनाई संगीत से किसका संबंध था, बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन खां और दया शंकर जगन्नाथ का शहनाई संगीत से संबंध था। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों बांसुरी संगीत से किसका संबंध था, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, यन नीला, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुलमणी, राजेंद्र प्रसन्ना और रोनू मजुमदार का बांसुरी संगीत से संबंध था। इसके बाद देखते हैं बीड़ा संगीत से किसका संबंध था, बदरुद्दीन डागर, यश बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण, भागवत दोरे स्वामी अयंगर का बीड़ा साधक से संबंध था। तबला साधक से किसका संबंध था, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन पंडित, शांता प्रसाद जिसे गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है, फयाज खां, सुखविंदर सिंह का तबला साधक से संबंध था। आइए कुछ इस कड़ी में देखते हैं सरोद साधक से किसका संबंध था, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राज चौधरी, जरीन दारू वाला और बुद्ध देव दास गुप्ता का सरोद साधक से संबंध था। संतूर साधक से किसका संबंध था, आइए देखते हैं भजन सोपोरी और श्रीकुमार शर्मा का था। वायलिन संगीत से किसका संबंध था, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, यल सुब्रह्मण्यम, संगीता राजन और टी एन कृष्णन के साथ संबंध था। और मृदंग संगीत से किसका संबंध था, डॉक्टर जगदीश सिंह, पालधर रघु भीकम सिंह से था सिंह का संबंध था। और रुद्र बीड़ा साधक से किसका संबंध था, आइए देखते हैं असद अली खां उस्ताद, सदिक अली खां का संबंध था रुद्र बीड़ा संगीत से। दोस्तों हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, यदि आप लोग YouTube पर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें।